रेनू मनचंदा साहिबा है, हमारे बीच में इंस्पेक्टर इम्तियाज आलम साहब हैं, सुशील कुमार जी हैं, कुमार पाल यादव जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, वीरेंद्र दलाल साहब हैं, इंस्पेक्टर किशोर साहब हैं, सब रख दिए के लेते और भी सम्मानित यहाँ पर हमारे दिल्ली सरकार के विभिन्न अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे उस कमेटी के मेंबर परवेज नूर हैं, मुस्तफ़ा भाई हैं, बकार भोपाली हैं, शाहिद उस्मानी हैं, अनवर मसूद हैं, ये सभी आप सभी मेहमानों का दिल्ली के उर्स कैंप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल्ली का ये 30वां उर्स कैंप है। उर्स कैंप की शुरुआत 1993 से हुई दिल्ली। पहले ये उर्स कैंप जामा मस्जिद के इलाके में लगाया जाता था। और बाद में जब बहुत जायरीन की संख्या बढ़ी, तादाद बढ़ी, तो सरकार को लगा कि वो जगह छोटी पड़ रही है, तो इसलिए ये बुरारी ग्राउंड का सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर सरकार ने जायरीनों को सुविधा के लिए कैंप लगाना शुरू किया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि उर्स का मतलब क्या है, उर्स का मानी क्या है। उर्स सूफी संत के डेथ पे मनाया जाता है। सूफी के यहां डेथ को एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है के डेथ पर वो डिवाइन शक्ति जो है, भगवान है, अल्लाह है, उनसे उनका मिलन होता है, इसीलिए उनकी याद में उनके डेथ एनिवर्सरी पर उर्स मनाया जाता है। और इस बार ख्वाजा हजरत मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 811वां उर्स है। दिल्ली में कोरोना के बाद, कोरोना 2 साल रहा, कोरोना के बाद उर्स कैंप लगा है। ये एज ए चेयरमैन मेरा और हमारे मेंबर्स का पहला उर्स कैंप है कोरोना के बाद। बड़ी दुश्वारियां हुई, पीछे एमसीडी का इलेक्शन था, बीच में आपको याद होगा कि टीवी ने कोरोना ला दिया था, सरकार को लगा कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये कैंप फिर से नहीं लगेगा। उसमें लगभग 1 हफ्ते की देरी हुई और फिर जो प्रक्रिया है, कैंप की प्रक्रिया जो शुरुआत होती है लगभग 3 महीने पहले हो जाती है, मगर इस बार उसमें बहुत देरी है। जो प्रक्रिया कैंप की 3 महीने या 20 दिन 25 दिन पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वो प्रक्रिया हमारी 1 हफ्ता पहले शुरू हुई। मैं चाहूंगा कि ये हमारे टेंट जो जिन्होंने टेंट लगाया, अंकित जी उनका नाम, जो काम 20 दिन में होना चाहिए था कायदे से, वो उन्होंने दिन रात एक करके 1 हफ्ते में लगा दिया।
और इस बीच अंकित जी क्या एक उनकी दादी की डेथ भी हो गई, एक केंद्रीय हुई उनकी फैमिली में, फिर भी उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इतने कम समय में इतना बढ़िया टेंट उन्होंने लगाया। टेंट के मामले में, जायरीन के मामले में कई दुश्वारियां गई। 26 जनवरी का प्रोग्राम दिल्ली में बीच में पड़ा, जो बसेज आती हैं जायरीन की वो 6 या 7 स्टेट से आती है, वेस्ट बंगाल से आती है, उड़ीसा से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, बिहार से आती है, उत्तराखंड से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है। उनके बीच में ये वबा फैल गई कि दिल्ली में बसेस की एंट्री बंद है, उसका चलान हो जाएगा, अगर बस को लेके गए तो बस बंद कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो ये पानीपत में से बसेस आती हैं, घूम के अपना बाजार है हमारा, वहां से 100-100 बसें वहां पर लाइन लग गई, उनको डर से वो दिल्ली में एंटर नहीं कर रहे। हमने और हमारे टीम के मेंबर्स ने एक टीम बनी इस्लामुद्दीन भाई की, वकार भोपाली की, इनको हमने पानीपत भेजा, वहां बस वालों को समझाया, तो फिर वहां से बस आना शुरू हुई और एक एक बार में 100 बस 150 बस आई। और इस कैंप में, कैंप के दौरान लगभग 620 बसें यहां पर आए। साथ में नेपाल से एक वफद भी यहां पर आया, उर्स जायरीन का, और बांग्लादेश से भी आया। इस बार दिल्ली सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधा दी जो जायरीनों को पहले नहीं मिली। प्रचंड सर्दी थी, बहुत मुश्किल हालात थे, उसमें लिहाफ और गद्दे का इंतजाम किया गया, गर्म पानी के लिए वजू खाने में गर्म पानी का गीजर लगाया। हमारे बीच में 24 घंटा लंगर चला। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाइएगा और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के आजाद भेजे। 24 घंटे उन्होंने लंगर चलाए, खाना खिलाया, चाय पिलाया, पानी पिलाया, और डेढ़ से पहले ये जो डीडीए का ये कैंप है, ये एक्चुअली छठ गार्ड भी है, यहाँ छठ की पूजा भी होती है, छठ का यहाँ घाट भी बनता है। तो छठ के घाट से क्या होता है कि उसको गड्ढा करते हैं, उसमें पानी होता है और दब जाता है। तो हमारे एनसीडी के वर्क्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की, उनमें से एक रघुवंदर जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत, जमीन को समतल किया, पानी को भरा। दिल्ली जल बोर्ड ने, उसके रितेश जी हैं, अभी पानी बारिश हो गई थी, हमने देखा दिल्ली में, तो उन्होंने पंप से पानी भी निकलवाया और उसमें फिर बाद में बालू मंगा के बालू भी उस पर डाला। तो कुल मिलाकर के टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। और हमारे बीच में जो मेडिकल टीम थी, उसके डॉक्टर जावेद साहब ने बहुत जबरदस्त मेहनत की। मेडिकल में इस बार 6,152 मरीजों का इलाज हुआ, उसमें से हमने 2,337 महिलाओं का इलाज किया। किसी को सीरियस बीमार नहीं होने दिया हमारे डॉक्टरों को, टीम ने, डॉक्टर साहब।
मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजाई के साथ किसी की जिंदगी बजाना और किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर्स की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत मुश्किल लाइफ होती है, तो ऐसे मुश्किल हालात में इतना बढ़िया काम करना मैं दाद देता हूँ। 33 मरीजों का डायबिटीज, पहली बार इस कैंप में डायबिटीज टेस्ट हुआ। कुछ अप्रिय घटना भी हुई है, जैसे कि यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन है, यहाँ पर उस कम्युनिटी किचन में हमने 250 चूल्हे लगाए। ये जो सिलेंडर के होते हैं ना, घरों के चूल्हे होते हैं, वो वाले चूल्हे जो जायरीन पहले आते थे, वो अपना खाना बनाते हैं, कई बार उससे आग लगने का डर होता है, पोल्यूशन का डर होता है, हमने 250 चूल्हे लगाए, उन कई बार चूल्हों में भी आग लगी। तो हमारे सिविल सिविल डिफेंस को लोगों ने उसको आग लिया है, और कई बस वाले बाहर थे वहाँ पर भी बस में नीचे उतर के वो खाना बनाने लगे, वहाँ भी आग लगी। उसको आपको हमारे सिविल डिफेंस की कुछ लड़के वहाँ पर थे, उन्होंने वहाँ पर उसको आग बुझाया, बहुत मदद की उसमें। इस बार एक बहुत अच्छी बात हमने की, 26 जनवरी पे यहाँ पर रिपब्लिक डे पे यहाँ पर भारत की शान मान मान को हमने बढ़ावा दिया, और यहाँ पर पहली बार उर्स कैंप में भारत के झंडा को लहराया। हम दिल्ली से माननीय एनजी साहब, दिल्ली से माननीय सीएम साहब और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, और डिफरेंट डिग्निटीज के चादर लेकर के अजमेर गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार उर्दू मीडिया ने हमें बहुत स्थान दिया, बहुत जगह दी, मीडिया में हमारा कवरेज बहुत अच्छा रहा। हम मीडिया के साथी जितने यहाँ पर हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। लाइव भी यहाँ पर चलाया गया, मैं खुद एज ए चेयरमैन 15 दिन इस कैंप में रहा, और खुद जाकर 3 राउंड मार करके के जो जायरीन आते थे उनसे उनके हालात पूछते थे, उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं होती ये पूछते थे। क्योंकि हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल का ये मानना था, उन्होंने बुला के मुझे कहा था कि किसी जायरीन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने भी बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया। हमारे डीएम मैडम है, वो भी किसी मीटिंग में बिजी हो गई, आ नहीं पा रही हैं। आर मीना का डीएम नॉर्थ है, हमारे एसडीएम साहब अभी आने वाले हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की। हमारे बीच में प्रशांत जी हैं जो तहसीलदार साहब हैं, और साथ में पंकज जी हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उन्होंने भी अपना 15-20 दिन से डेरा यही डाला, दिन रात उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कैंप बहुत सक्सेसफुल कैंप था, पूरे जायरीन ने बहुत इसकी जो है प्रशंसा की, बहुत खुश होके गए, सबने दुआएं दी। और हम जब अजमेर गए तो अजमेर में जितने लोग थे हमारे, हमने सबके लिए वहां दुआएं, खाजा साहब के करम से और अल्लाह की मदद से हमने दुआ की कि भारत दुनिया में नंबर वन देश बने, और भारत में अमन चार भाईचारा कायम हो, इसकी स्पेशल दुआ अजमेर शरीफ में कराई।